हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने फिल्म द केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को सच्चाई अच्छी नहीं लगती और वो सच्चाई को छिपाना चाहती हैं। अनिल विज ने कहा कि यही वजह है कि ममता बनर्जी सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है। वहीं फिल्म निदेशक को धमकियां मिलने के प्रश्न पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऐसे लोग फिल्म निदेशक सच्चाई उजागर करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि द केरला स्टोरी फिल्म को उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया कि सरकार बनते ही जो वायदे हैं वो पूरे किए जाएंगे। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, पहले कई बार उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही मगर कांग्रेस ने देश का क्या हाल किया ये सभी को पता है। वहीं प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि प्रचार में इस तरह की बयानबाजी कोई हारा हुआ व्यक्ति ही करता है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने प्रचार के दौरान कहा था कि भाजपा को वोट दिया तो ये सबको लूट लेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा उन्हें जबरन फंसा रही है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल जांच होने दें और जांच टीम के समक्ष अपना पक्ष रखें, इसके बाद ही वो इस प्रकार की बात करें। वहीं दिल्ली में किसानों की ओर से बैरिकेड्स तोड़ पहलवानों के समर्थन मामले में अनिल विज ने कहा कि इसका समाधान करने में सरकार लगी है और जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। यूपी में केरला स्टोरी पर टैक्स माफ किया जा रहा, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस पे बैन लगा दिया। ममता बनर्जी को सच्चाई अच्छी नहीं लगती और सच्चाई को छिपाना चाहती है, इस कारण से प्रतिबंध लगाया गया और ये अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार है। उसके डायरेक्टर को भी एक मैसेज आया कि अकेले घर से बाहर ना निकले। नहीं नहीं ऐसा देखिए, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, सच्चाई उजागर करने वाले होते हैं, उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता। खत्म हो चुकी है और केंद्र ने भी अब जवाब दिया, हरियाणा सरकार खरीदने की तैयारी कर रही है। हाँ जी बिल्कुल, हमने खरीदने के लिए उसका प्रोसेस किया हुआ है और जल्दी उसके टेंडर हो जाएंगे। केजरीवाल ने इस ट्वीट करके कहा कि बीजेपी सरकार जबरदस्ती हमें फंसाने की कोशिश कर रही थी, जबकि अदालतें भी इस बात को इनकार कर रही है कि जो घोटाले की जांच हो रही है, जांच को होने दें, अपना पक्ष उसमें रखें, उसके बाद इस प्रकार की बातें करें। राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रचार के दौरान कहा है कि वादे सरकार बनते ही जो भी वादे किए जा रहे सारे पूरे किए जाएंगे। राहुल गांधी जी तो अब कुछ भी कह सकते हैं और पिछली भी कई बार उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं, तो देश का क्या हाल करा कांग्रेस पार्टी ने सबको पता है। वहीं प्रियंका गांधी भी कह रही है कि अगर तुम बीजेपी को वोट देते हो तो ये इसके नेता तुम सबको लूट लेंगे। देखिए प्रचार में इस प्रकार की नरगल बातें करना ये हारा हुआ व्यक्ति ही करता है। एक बार फिर किसानों ने बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में पहलवानों का समर्थन के अंदर पहुंचे, उसका समाधान करने में लगे हुए हैं, जल्दी उसका समाधान होगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।